Hello, good morning, friends. Today we will discuss about stick diagram for any CMOS logic circuits. Good morning, friends. Today we are studying about stick diagram. Stick diagram of CMOS logic diagram circuits. CMOS circuits. So before going to CMOS circuits, एक बात जानना बहुत जरूरी है कि multiplication PMOS parallel में होते हैं और NMOS series में होते हैं. Addition के लिए PMOS होते हैं सीरीज में और NMOS होते हैं पैरेलल. ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है. तो हम एक एग्जांपल लेके इसको देखेंगे कि स्टिक डायग्राम कैसे बनता है. एग्जांपल इज टू इनपुट NAND गेट. जब टू इनपुट NAND गेट बोलते हैं तो एक्सप्रेशन होता है Y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी होल बार. ये होता है एक्सप्रेशन. दो इनपुट A एंड B, Y इज आउटपुट होल बार. तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम होता है. स्टिक डायग्राम जाने के लिए हमें जानना होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम क्या होगा. स्कीमेटिक डायग्राम ये होगा कि दो इनपुट के लिए दो PMOS पैरेलल में, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो PMOS पैरेलल में और NMOS सीरीज में. ए बी ए बी ये आउटपुट. PMOS को हमेशा लगेगा VDD और NMOS को हमेशा लगेगा ग्राउंड. So now we will see the layout diagram of CMOS circuits. So when we want to go for layout diagram, we always consider the schematic diagram of it. For example, we have taken two input NAND gate, Y equals to A dot B whole bar, PMOS in parallel. But we need to see the terminals of the PMOS also. Like this is source, gate and drain. Source, gate and drain. Same source, gate and drain. Source, gate and drain for NMOS also. So इसको देख के हम PMOS parallel लगाए, multiplication है. NMOS series लगाए क्योंकि multiplication है. तो multiplication का concept समझ में आया. तो हम इसी को देख के layout बनाएंगे. तो layout कैसे बनता है? दो PMOS parallel में है तो पहले ए P diffusion बनाना है, दूसरा P diffusion बनाना है, एक सेंटर में एक पॉलीसिलिकॉन का गेट टर्मिनल बनाना है. तो एक पी डिफ्यूजन पॉलीसिलिकॉन और इसका एक सोर्स, इसका एक ड्रेन. ये हो गया एक पी डिफ्यूजन. पी डिफ्यूजन गेट सोर्स ड्रेन. सेम इसी तरह से यहां पे भी गेट सोर्स एंड ड्रेन. कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? पी डिफ्यूजन हम करेंगे ये बार्स, जो बार्स रहेंगे दूर दूर. ये पॉलीसिलिकॉन गेट टर्मिनल है, अपोजिट साइड बार्स रहेंगे. ये भी पॉलीसिलिकॉन सोर्स एंड मेटल्स हम ज्वाइन करेंगे. फॉर सोर्स एंड ड्रेन वी यूज मेटल्स. मेटल्स हम रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट बार से. तो ये हो गया दो PMOS, PMOS, PMOS. अब दो NMOS बनाना है सीरीज में. तो एक NMOS, दूसरा NMOS. इसमें भी सेम पॉलीसिलिकॉन यूज करेंगे गेट टर्मिनल्स के लिए. पॉलीसिलिकॉन ऑलवेज विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस.
the bars which are coming from right to left. तो इसमें एक सोर्स होगा, एक ड्रेन होगा इसमें भी, इसमें भी एक सोर्स एंड ड्रेन होगा एंड सोर्स एंड ड्रेन ऑलवेज वी यूज मेटल्स. सोर्स एंड ड्रेन वी ऑलवेज यूज मेटल्स. एन डिफ्यूजन रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स रहेंगे जो बहुत क्लोज टू ईच अदर रहेंगे. द बार्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट एन डिफ्यूजन आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. नाउ वी हैव टू सी द स्कीमेटिक डायग्राम. ड्रेन एंड ड्रेन इज शॉर्टर एंड ड्रेन. सोर्स एंड ड्रेन आर इंटरचेंजेबल. आप किसी भी टर्मिनल इसको सोर्स इसको ड्रेन बना सकते हो, इसको ड्रेन इसको सोर्स भी बना सकते हो. तो दिस इज वी रेडी. Now drain to drain is shorted using metal. This source to drain is shorted using the metal. This is connected to ground. यहाँ पे output रहेगा, ये VDD है. Input terminals A, B, A and B. So ये हो गया आपका layout diagram. Now stick diagram, the original concept will come. Stick diagram is very much easy concept compared to your layout diagram. We have to draw a stick diagram using this layout diagram. Layout diagram using this schematic diagram. Layout diagram ko dekho kaise banate hain. Stick diagram mein simple ek stick hoga. PMOS, NMOS. PMOS. Now the stick diagram. स्टिक डायग्राम में हमको क्या करना है, एक स्टिक लेना है. इन बिटवीन दिस पी डिफ्यूजन वी कैन ड्रॉ अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉलीसिलिकॉन एंड रिप्रेजेंटिंग पॉलीसिलिकॉन. टर्मिनल्स ऑफ सोर्स एंड ड्रेन. टर्मिनल्स ऑफ सोर्स एंड ड्रेन लाइक दिस. सोर्स एंड ड्रेन आर इंटरचेंजेबल हियर ऑल्सो. नेक्स्ट NMOS के लिए सेम स्टिक्स विथ पॉलीसिलिकॉन एज अ गेट टर्मिनल. स्टिक्स विथ पॉलीसिलिकॉन एज अ गेट टर्मिनल. नाउ टू जॉइन ड्रेन टू ड्रेन. सोर्स टू सोर्स. सोर्स टू सोर्स इज कनेक्टेड टू VDD एंड हियर सोर्स एंड ड्रेन. सोर्स एंड ड्रेन नाउ इन दोनों को ज्वाइन करेंगे जैसे यहां पे है. इसको यहां पे शॉर्ट करेंगे. यहां पे ग्राउंड कनेक्शन होगा लाइक दिस. एंड नाउ इन बिटवीन दिस NMOS लॉजिक सर्किट एंड PMOS लॉजिक सर्किट देर इज अ लाइन कॉल्ड एज डीमार्केशन लाइन. डीमार्केशन लाइन दिस रिप्रेजेंट्स दैट above demarcation line there is a PMOS unit and below this demarcation line NMOS logic circuits. In between this, this is a output and A, B, A, B. These are the inputs. So this is the simple stick diagram using this for this expression A dot B whole bar. Schematic देखते हैं, उसके हिसाब से layout बनाएंगे. Layout देख के हम स्टिक बना सकते हैं. डायरेक्टली यू कैन पुट स्टिक डायग्राम यूजिंग दिस स्कीमेटिक डायग्राम ऑल्सो. थैंक यू. थैंक यू. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल. थैंक यू.